Respected parents and my dear kids, Assalamu alaikum. Please open page number 75. It's page number 75, lesson 14, time to play. Today inshallah I will mark answer to the questions and solve its activities. So kindly mothers hold pencils and mark answer to the questions on your book. Dear mothers, pencil ke saath apni book pe aap sawalat ke jawabat likhte jaiye, saath saath एक्टिविटीज़ भी सॉल्व करते जाएं ताकि बाद में जब अपने बच्चों को पढ़ाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े. तो चलिए शुरू करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज असेसमेंट. कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द जंबल्ड अप वर्ड्स. हमें हर स्टेटमेंट के आगे कुछ स्पेलिंग जो हैं वो जंबल करके यानी मिक्स करके दे दी हैं. उनकी तरतीब दुरुस्त नहीं है स्पेलिंग की. हमने इन स्पेलिंग को करेक्ट ऑर्डर में लिखना है और दुरुस्त स्पेलिंग यहाँ पर लिखने हैं. डैश ईच अदर वाइल प्लेइंग, आर पी आर एस सी टी. ये स्पेलिंग इनकरेक्ट हैं, जम्बल्ड हैं, मिक्स किए हुए हैं. अब इनको हम करेक्ट करके लिखेंगे जो कि हैं आर ई एस पी ई सी टी, रिस्पेक्ट. सेकेंड इज डैश फॉर योर टर्न. यहाँ पर भी ये स्पेलिंग इनकरेक्ट हैं, जम्बल्ड हैं, मिक्स किए हुए स्पेलिंग हैं. सो करेक्ट स्पेलिंग इज वेट, डब्ल्यू ए आई टी, वेट फॉर योर टर्न. नेक्स्ट इज प्ले डैश, और यहाँ पे ये स्पेलिंग है एफ आर आई ए एल वाई, विच इज़ रॉन्ग. इन स्पेलिंग को मिक्स किया गया है. हम करेक्ट करके लिखेंगे एफ ए आई आर एल वाई, फेयरली, प्ले फेयरली. नेवर डैश फ्रेंड्स इन गेम्स. करेक्ट स्पेलिंग इज टी ई ए एस ई, टीज. फिफ्थ नंबर इज Never dash each other. So the correct spelling is C H E A T, cheat. तो इस तरह से हमने ये first जो हमारा question था jumbled words को correct order में लिखने का वो complete किया. आपने देखा कि spellings वही थे लेकिन ये jumbled थे, इनका order ठीक नहीं था. हमने जब इनको तरतीब से लिखा तो ये correct spelling बन गए. Next is choose the correct answer. Playing games gives us डैश प्लेयर और हार्म. तो हमें गेम्स खेल के प्लेयर मिलता है, खुशी, प्लेजर, पी एल ई ए एस यू आर ई, प्लेजर. देयर आर डैश टाइप्स ऑफ गेम्स, टू और थ्री टाइप्स. तो करेक्ट आंसर है टू, टी डब्ल्यू ओ टू. इनडोर गेम्स आर प्लेड डैश द हाउस, इनसाइड या आउटसाइड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज इनसाइड, आई एन एस आई डी ई, इनसाइड. Outdoor dash games are played outside the house, indoor या outdoor. So the correct option is outdoor, O U T D O R, outdoor. Games keeping our body and games keep our mind and body dash active या passive. So the correct option is active, A C T I V E, active. Next we have answer the following questions with the help of द वर्ड बैंक. हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी मदद से हमने क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी प्ले, हम खेलते क्यों हैं. सो द करेक्ट आंसर इज टू कीप माइंड एंड बॉडी एक्टिव, टू कीप माइंड एंड बॉडी एक्टिव, दिस वन. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ गेम्स डू वी प्ले, हम किस किस्म की गेम्स खेलते हैं या कितनी किस्म की गेम्स खेलते हैं. We play outdoor and indoor games. हम घर के अंदर और घर के बाहर games खेलते हैं. You can take screenshot of these pages. आप इन pages के चाहें तो screenshots भी ले सकते हैं. Name some of the games that you play. कुछ ऐसे games के नाम लिखें जो आप खेलते हैं. Video games, hockey, ludo. What do games teach us? खेलों से हमें क्या सीखने को मिलता है. Teamwork एंड डिसिप्लिन, यानी मिलजुल कर कैसे कोई काम किया जाता है, और नज़्म व ज़ब्त. नाउ फिल द चार्ट. व्हाई डू वी प्ले, टू कीप माइंड एंड बॉडी एक्टिव. अब आगे आएगा कि किस किस्म की गेम्स खेलते हैं, आउटडोर गेम्स, इनडोर गेम्स. नेक्स्ट इस आउटडोर गेम्स के नाम लिखेंगे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस,
HOCKEY हॉकी, FOOT फुट, BALL बॉल फुटबॉल, CRICKET क्रिकेट, TENNIS टेनिस। इंडोर गेम्स, इंडोर गेम्स के नेम लिखेंगे हाइड एंड सीक, HIDE हाइड, ANDE एंड, SEEK सीक हाइड एंड सीक, LUDDO लूडो, चेस CHESS चेस, कैरम बोर्ड CAREM कैरम, BORD बोर्ड कैरम बोर्ड। एंड नेक्स्ट वी हैव ऑन पेज नंबर 79 ब्रश अप योर आइडिया, आइडेंटिफाई द गेम्स। हमने यहाँ पे कुछ गेम्स की पिक्चर्स दी हैं, हमने उनको आइडेंटिफाई करना है और उनका नाम लिखना है। लाइक क्रिकेट CRICKET क्रिकेट, हाइड एंड सीक HIDE हाइड, ANDE एंड, SEEK सीक हाइड एंड सीक, FOOT फुट, BALL बॉल फुटबॉल, BUILDING बिल्डिंग, ब्लॉक्स BLOCKS ब्लॉक्स बिल्डिंग ब्लॉक्स, BASKET बास्केट, BALL बॉल बास्केट बॉल, HOCKEY हॉकी। सो इस तरह से आज हमने यूनिट नंबर 14 जो है उसके क्वेश्चन आंसर और तमाम जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व किया। होपफुली दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। कीप अस इन योर प्रेयर्स एंड डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।